सो गाइस, ये 60D कैमरा है जो कि हम लेंस इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 18-55 mm का, और अपर्चर जो है इस लेंस का 3.55.6 IS2 इसका जो है लेंस है। 60D कैमरा है, नहायत ही साफ सुथरी कंडीशन वाला ये कैमरा है। आज इस कैमरे से हम फोटोज़ लेंगे जो कि हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इस कैमरे की कंडीशन ओवरऑल मैं आपको जो है दिखाना चाहूँगा। नहायत ही साफ सुथरा ये कैमरा है जो कि इसमें फ्लैश भी मौजूद है, एक्स्ट्रा फ्लैश भी आप यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन जो है ऑलरेडी दिया गया है। और एजेस इसकी लेंस की आप देख सकते हैं, नहायत ही साफ सुथरी इसकी एजेस हैं। सो गाइस, खूबसूरत सी इसकी बॉडी है। जो कि बॉडी के साइज के बारे में बात करें तो ये फुल फ्रेम बॉडी जैसी ही इसकी बॉडी है। साइज के हवाले से ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑटो फोकस का, माइनर फोकस का, छोटा सा खूबसूरत सा बटन है, इमेज स्टेबलाइजर का ऑप्शंस भी दिया गया है। बात करते हैं इसके बैक की, तो एक खूबसूरत सी रोटेटेबल LCD दी गई है इसमें जो कि आप रोटेट कर सकते हैं, और ये तमाम ऑप्शंस जो हैं जो कि खूबसूरत से ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं। एक बेल्ट है और टॉप पे एक खूबसूरत सी छोटी सी LCD है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी तमाम ऑप्शन जो हैं नज़र आने लगते हैं, और यहाँ से आप ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और खूबसूरत से छोटा सा यहाँ पर बटन है यहाँ पर। सो गाइस, उसामा तो अपना काम ही कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इस पार्क का जो है रिव्यू लिया जाए, जो कि पार्क बिल्कुल ही खाली था, तो हमारा काम भी इसी वजह से आसान हो गया। नॉलेज में लाना चाहूँगा, ये जो बेसिकली लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है 18-55 mm का, ये एक बेसिक लेंस है जो कि आप बेसिक फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैनुअल में इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सेकंड ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की पिक्चर्स जो हैं आप लेना चाहें तो बहुत ईजीली इस कैमरे में 60D में आप रोटेटेबल जो कि LCD का ऑप्शन है वो आप ईजीली ले सकते हैं। सो गाइस, इस कैमरे में आप फ्लैश भी प्लग इन कर सकते हैं। इस कैमरे में ऑलरेडी फ्लैश भी होता है जो कि आप ये देख सकते हैं, सामने ऑप्शन जो है दिया गया है। 60D एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, हाई डिमांड कैमरा है, जो कि हम एक बेसिक लेंस के साथ फोटो शूट कर रहे हैं इस चीज़ का, जो कि पिक्चर्स भी मैं आपको शेयर करूंगा जो कि हमने कैप्चर किए हैं। सो गाइस, इसकी जो LCD की बात करें तो वो एक रोटेटेबल LCD इसमें खूबसूरत सी दी गई है, जो कि मैं ये शॉर्ट्स लिया गया है यहाँ पर। आप इजीली शॉर्ट ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, और ब्लॉगिंग के लिए भी मैं ये कैमरा जो है आपको सजेस्ट करूँगा 110%। सो गाइस, हमने यहाँ पर 18-55 mm का जो है लेंस यूज़ किया हुआ है। आप जो है 50 mm का लेंस भी इस तरह की शूट्स होते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 mm 1.4 हो या 1.8 हो, उसमें सीन ये है कि उसका जो अपर्चर होता है बेसिकली वो थोड़ा इस लेंस से जो है बड़ा होता है, और उसका जो है इस तरह की शूटिंग में आला ही रिजल्ट आता है।
सो गाइस, शाम का वक्त हो चुका था और हमने भी वाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया था। बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो अगर मैं बताता हूँ, इसकी बैटरी अगर आप 3 घंटा फुल करते हैं तो इजीली आप 800 शॉट्स ले सकते हैं। 60D की जो बैटरी होती है वो एक बड़ी साइज़ की जो है बैटरी इसमें होती है, और 3 घंटे की वीडियो आप इजीली जो है इस कैमरे से बना सकते हैं। बकायदा इसमें जो है वारंटी होती है बैटरी की भी, जो कि आप न्यू कैमरा लेते हैं तो 1 साल की वारंटी दी जाती है इस कैमरे में। टॉप पर इसकी खूबसूरत सी जो है एलसीडी दी गई है, और ये सामने जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप फ्लैश भी लगा सकते हैं। नहायत ही साफ सुथरा ये कैमरा है। कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सो गाइज, ये थे कुछ शॉर्ट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको इस टाइप की अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इस टाइप की ही बनाएं, जो कि आउटसाइड जाकर हम कैमरा का रिव्यू और एक एक चीज़ के बारे में हम आपको गाइड कर सकेंगे। हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को। कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।